मास्टर एटलस वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल लिया था, जो कि यूएसए में चैंपियनशिप हुई थी, और 2018 में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल लिया था और देश का नाम रोशन किया था, जो कि तुर्की साइप्रस में हुआ था। कहते हैं पहचान किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। आज हम आपको कराएंगे ऐसी ही एक शख्सियत से रूबरू, जो दिखते तो साधारण है लेकिन व्यक्तित्व असाधारण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर एटलस 2016 एवं मिस्टर यूनिवर्स 2018 यूएसए वर्ल्ड चैंपियन विक्की भारद्वाज की, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर दिल्ली प्रदेश एवं देश के नाम का डंका दुनिया में बजवाया है। विक्की भारद्वाज पिछले 18 वर्ष से बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, जिनके हजारों शिष्यों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। विक्की भारद्वाज दिल्ली के आदर्श नगर में द आर्यन क्लब नाम से जिम भी चलाते हैं, जिसके साथ साथ वह युवाओं को फिट रहने के लिए टिप्स भी देते हैं। विक्की भारद्वाज एक जिम संचालक के साथ साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि जिम के साथ साथ युवाओं को फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। विक्की भारद्वाज ने काफी युवाओं को नशेबाजी जैसी लत से छुटकारा दिलाकर हिट एंड फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। विक्की भारद्वाज का कहना है कि आज के दौर में नई जनरेशन मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट यूज करने पर ज्यादा फोकस करती है, जिसे वह विशेष ध्यान में रखें। बेहतर शरीर बनाने के लिए आज के युवाओं को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। मिस्टर एटलस वर्ल्ड चैंपियन 2016 के विक्की भारद्वाज से खास बातचीत दिनेश सिंह तरकर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज, मैं दिनेश सिंह तरकर। आज हम आए हुए हैं दिल्ली में और हम इस समय आयरन क्लब जिम में। कहते हैं कि पहचान किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, ऐसी ही एक शख्सियत है हमारे साथ विक्की भारद्वाज, जो कि मिस्टर एटलस वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरीके से उन्होंने कितना संघर्ष किया, क्या रहा। जी, आपका वॉइस फॉर नेशन न्यूज में पहले स्वागत। राम राम सभी भाइयों को। और मैं विक्की भारद्वाज, मैंने 2016 में मिस्टर एटलस वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल लिया था, जो कि यूएसए में चैंपियनशिप हुई थी, और 2018 में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल लिया था और देश का नाम रोशन किया था, जो कि तुर्की साइप्रस में हुआ था। तो बस मेरा स्ट्रगल पिछले करीबन 18 ईयर्स से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, और यही ड्रीम था कि देश के लिए कुछ कर सके। देश का आपने गौरव बढ़ाया है और आज भी हजारों स्टूडेंट्स आपके देश और दुनिया में हैं, क्या कहेंगे। और मोटिवेशनल अगर वो देखा जाए तो आप एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो किस रूप में इसे लेते हैं? हाँ, मोटिवेशनल की बात की जाए तो मेरा जो यूथ है या सबके लिए यही कहना होगा कि हमारे को वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि हम बॉडी बिल्डिंग करें या हम कोई प्रोफेशनल लेवल पर पावर लिफ्टिंग करें या कुछ भी ऐसा, बट हमारे को आज के टाइम में, जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, तो हमें वर्कआउट की भी नीड है। अगर हम अच्छा वर्कआउट करते हैं, व्यायाम जिसे कहते हैं, हमारा पसीना निकलता है, स्वेटिंग बर्न होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में से बहुत सारी बीमारियाँ निकलती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज की यूथ को, स्पेशली जो जनरेशन आजकल नशे की साइड जा रही है, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, एल्कोहल, स्मोक एंड ट्राई टू डू वर्कआउट एवरी डे। इट डजंट मैटर बॉडी बिल्डिंग, आप वॉक करो, बैडमिंटन खेलो, बैट बॉल खेलो, एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, बट करना ज़रूरी है वर्कआउट। अगर आप ऐसा करेंगे, वर्कआउट अच्छा रहेगा तो आपका शरीर के साथ साथ दिमाग भी अच्छा काम करेगा, और माइंड जब अच्छा वर्क करता है तो हमारा बिजनेस, हमारा काम, हर चीज़ में हम ग्रो करते हैं। तो और शरीर से बड़ा धन कुछ नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर एज वाले को, हर डिपार्टमेंट को, हर एक को वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 45 मिनट्स का वर्कआउट तो हमें करना ही चाहिए, और नशों से दूर रहें और शॉर्टकट यूज़ ना करें। आजकल के लड़के बहुत जल्दी शॉर्टकट कर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। जो भी उनके रोल मॉडल्स हैं या जिनको वो फॉलो करते हैं, एटलीस्ट ये देखें कि उन्होंने कितने साल, कितने इयर्स तपस्या की है, कितनी मेहनत करी है, तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। तो शॉर्टकट ना करें और
किसी अच्छे गुरु को अंडर में जाकर अच्छे से वर्कआउट करें या उसकी सलाह माने। आज की डेट में देखा जाए तो आप एक जिम भी चलाते हैं, आपकी अलग अलग जनपदों में अलग अलग स्टेट्स में फ्रेंचाइजी भी हैं DRN क्लब की, तो एक गुरु की भूमिका में भी एक बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आप रहे हैं, तो स्टूडेंट्स से और लोगों से क्या कहेंगे? बस जिम का तो ऐसा था कि मैंने जो फ्रेंचाइजीज दे रखी हैं अपनी, ऐसा कोई बिजनेस मेरा टारगेट नहीं था, वो जो फ्रेंचाइजीज मैंने दी हैं वो मेरे हाथ से रेडी करे बच्चे हैं, जो कि बहुत कोई स्कूल की टाइम में आए हुए हैं, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रखा है, उनको सपोर्ट कर उनका जिम खुलवा के दिया है। तो मेरा कोई फ्रेंचाइजीज बांटने का कोई ऐसा इशू नहीं था कि मुझे कोई पैसा अर्न करना है, ऑब्वियसली बिजनेस तो हमें करना ही है अपने घर के लिए, लेकिन जो मैंने फ्रेंचाइजीज बांटी है वो लड़के हैं जिनको मैंने खुद चैम्पियन बनाया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोफेशनल नहीं है या चैम्पियन नहीं है पैसा लगाकर जिम खोल दिया, नहीं, मैंने सब अपने नाम उन्हीं को दिया है जिन्होंने देश में और शहर में अपना नाम कराया।